हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आज जो वीडियो लेके आ चुकी हूँ, आपके घर और किचन को आसान बना देने वाली है। तो दोस्तों, मैं ऐसी यूजफुल वीडियो लेके आती रहती हूँ जो आपके लाइफ को और समस्याओं को समाधान करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहला ट्रिक मेरा इस तरह से दूध को लेके है। तो दोस्तों, क्या होता है, इस तरह से जब हम दूध में चम्मच डालते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह से चम्मच बार बार फिसल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से चम्मच फिसले ना, तो देखिए मैंने इसमें रबड़ लगा दिया है। रबड़ लगाने के बाद आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इस तरह से आपका चम्मच बिल्कुल भी नहीं भगोने के अंदर जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट आइडिया है, इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगला ट्रिक क्या होता है कि इस तरह से हम दूध गर्म करने के बाद हम जाली से दूध को ढकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, इस तरह से जाली से दूध ढकते हैं कि दूध ढकने के बाद हमारे दूध में अच्छी तरह से मलाई निकले और दूध हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो दोस्तों, होता क्या है, हर किसी के पास इस तरह से जाली नहीं रहती है। तो दोस्तों, अगर किसी के पास इस तरह से आटे छानने वाली छन्नी है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से भी आपके दूध में कुछ नहीं जाएगा, न धूल न मिट्टी और ना ही आपका दूध इसमें कुछ गिरेगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक दोस्तों, ये हमारा शीशा टूट गया था। तो देखिए, इस तरह से हमारे शीशे का ये जो फ्रेम है, इस शीशा हमारा ये फ्रेम बेकार हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस फ्रेम को आज मैं इस्तेमाल करूँ। तो चलिए, ऊपर से मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो बहुत ईजी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ये निकल जाता है और इसमें ये जो साँचे बने हुए इसमें इसको हमें सेट करना पड़ता है। तो देखिए, मैंने निकाल लिया है। अब मैं ले लेती हूँ इसके बराबर का एक पेपर। तो देखिए, इसको ही मैं रखने के बाद पेपर के ऊपर रख लूँगी और इसको मैं मेजरमेंट कर लूँगी। और मेजरमेंट करने के बाद मैं एक मार्कर या पेन से इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए, मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। आधा आधा इंच मैं अंदर से कटिंग करूँगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं लाइन के आधा इंच अंदर से मुझे कटिंग करना है। तो दोस्तों, इस तरह से छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र आप अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। जो हम बाहर से फ्रेम लाते हैं और बाहर से ऐसे ऑर्गेनाइज़र लाते हैं, बहुत ही महंगी आती है। तो क्यों ना इस तरह से हम ऑर्गेनाइज़र अपने घर में बनाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो जरा से भी पसंद आता है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से मैंने पेपर रखने के बाद, इस तरह से आप कोई सा भी फोटो रखने के बाद आप इसको बस फ्रेम के उसमें आप इसको सेट कर दीजिए। तो दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। इस तरह से बराबर करते हुए अब मैं इसको सेट कर दूंगी। बहुत इजी तरीके से सेट भी हो जाता है और ना ही आपको बाहर से लाने की ज़रूरत है कोई चीज़। तो देखिए, मैं इस तरह से ठोक दी, अभी मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो जहाँ भी आप हैंग करना चाहें आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ कील पे हैंग कर दिया है। बहुत इजी तरीके से हो चुका है और देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। चाहे तो इसको फ्रेम के रूप में आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। तो है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक मेरा इस तरह से चूड़ी के बॉक्स को लेकर है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम कहीं पार्टी वेयर में या कहीं हम लंबे सफ़र में जाते हैं तो हम अपना इस तरह से बॉक्स को रख लेते हैं अपने बैग वगैरह में। तो क्या होता है, इस तरह से चूड़ी आपस में टकराती है और हिलता रहता है। तो इस तरह से हमारी जो चूड़ी का स्टोन वगैरह है, हमारा स्टोन हो जाता है ख़राब। तो देखिए, मैंने ये पेपर ले लिया है, इसके बराबर का पेपर ले लेना है। और पेपर को लेने के बाद इसको हमें फोल्ड कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो के कौन से शहर के कोने से देख रहे हैं, मुझे एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, मैं इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेती हूँ। और फोल्ड करने के बाद आप अपने हिसाब से मोटा या पतला इस तरह से फोल्ड कर लीजिए कि ताकि मेरी ये जो चूड़ी है इसके अंदर अच्छी तरह से पहन जाए। तो चलिए, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और दोस्तों, क्या करना है, इसको मुझे जो चूड़ियाँ हैं इसके अंदर मुझे कवर कर देना है, जैसे कि मुझे इसके इसमें पहना देना है। तो बहुत इजी तरीके से इस तरह से पहना भी देते हैं और इस तरह से हमारी चूड़ियाँ बहुत ही सेफ्टी रहती है, क्योंकि इस तरह से टाइटली थोड़ा चूड़ियों में रहेगा तो इस तरह से हमारी चूड़ी आगे पीछे नहीं होगी। आगे पीछे नहीं होगी तो इसमें करना हमारा ये बिल्कुल ही स्टोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। हाँ दोस्तों, इस तरह से हमारी चूड़ियाँ इतनी महंगी महंगी रहती, हमारी चूड़ियाँ हो जाती है ख़राब। आप किसी कपड़े का भी हेल्प ले सकते हैं।
तो चलिए जैसे कि मैंने वो दूसरी पहना है इसी तरह से मैं ये भी पहना लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारी चूड़ियाँ बहुत ही ख़राब हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है, तो क्यों ना हम इस तरह से पेपर का एक रोल बना के, और रोल बनाने के बाद हम इस तरह से अपनी चूड़ियों को इस तरह से बनाने के बाद हम इसको इसमें कवर करके इसको भी इसी तरह से उसमें रख लें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हम जब दिमाग लगाएंगे तो एक एक से भी काम हमारा, कठिन से कठिन काम हमारा आसान हो जाता है और हमें कोई मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है और बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये चूड़ी हमारी इसके अंदर सेट हो चुकी है, हमारी चूड़ी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाली है, अब बिल्कुल इसमें से टस से मस नहीं होने वाली है। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का डिब्बा है तो उसको भी आप इस तरह से कवर करके रख सकते हैं इस तरह से पेपर के हेल्प से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसको एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों इसका एक मैं दूसरा ट्रिक भी बताती हूँ, इस तरह से कोई अगर आपके पास हार्ड पेपर है तो इस तरह से हार्ड पेपर भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हार्ड पेपर ले के इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है, जैसे कि दो जितनी भी चूड़ियाँ आपको इस तरह से रखनी है इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से चूड़ियों को आपको पहना देना है इसके अंदर। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल पेपर का ही काम करेगा क्योंकि ये हमारा रोल बन गया है, तो बिल्कुल एक कमाल का आइडिया है। देखिए दोस्तों इसी तरह से कोई हार्ड पेपर है तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है, तो जो भी आइडिया आपको सही लगे उसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए जैसे कि मैंने उसको पहना है इसी तरह से मैंने इसको भी बिल्कुल परफेक्ट रख लिया है, तो ये मेरा बिल्कुल ओके है, बिल्कुल हमारी चूड़ी टस से मस नहीं होगी और ना ही हमारी चूड़ी ख़राब होगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक दोस्तों इस तरह से मैं चावल डाल रही हूँ गिलास में, क्यों डाल रही हूँ तो आप ये सोचेंगे कि मैंने गिलास में चावल क्यों डाला, तो चलिए देखते हैं किस लिए डाला मैंने। तो दोस्तों क्या है, इस तरह से जो हम किचन में गिलास चाकू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पीलर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, तो दोस्तों इस तरह से चावल के अंदर चाकू इस्तेमाल करने के बाद चावल के अंदर हम चाकू डालेंगे तो इस तरह से हमारा धार बिल्कुल ओके रहेगा और हमारा चाकू का धार बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला है। तो इस्तेमाल करने के बाद हम चाकू इसके अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।